एजुकेशन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम नोटिस लेकर के आए हैं फुल टेस्ट के लिए। तो जो फुल टेस्ट का शेड्यूल है, आज मैंने रात को 11:10 पर रखा है, क्योंकि उसके बाद फिर कल 31 और परसों 1, ठीक है, ये दो दिन 31 और 1 को मेरे पास समय शायद बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसके बाद 2 को आप लोगों का रिविजन का वक्त रहेगा और 3 और 4 फिर आप लोग का एग्जाम है। तो कल अगर समय मिलता है तो 15 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सुबह 11:30 हम ले लेंगे, 11:30 में, सारा हिंदी में रहेगा। और बाकी आज का जो टेस्ट है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। आज जो मॉक टेस्ट होने वाला था 11:30 में, ए आज नहीं होगा और इसके जगह पर आज फुल टेस्ट होगा 11:10, ठीक है, रात में। और इससे रिलेटेड जो सिलेबस है हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है, टेक्निकल 60 क्वेश्चन, रीजनिंग 10, कंप्यूटर से 10, करंट अफेयर 5, इंग्लिश 5, हिंदी 5 और जीके 5, ये रहेगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन सेट करेंगे, मेरे पास आज ही टाइम है, ठीक है, आज ही सारा क्वेश्चन सेट करना है। तो कोशिश करेंगे जितना मतलब हो सके स्टार्ट करेंगे टेक्निकल से, सबसे पहले मेरा टेक्निकल होगा, उसके बाद रीजनिंग, कंप्यूटर, इस तरह से सेट करते चले जाएंगे, ठीक है। और 8 बजे आपको आज रात 8 बजे एक बार फिर से नोटिस दे देंगे कितना क्वेश्चन सेट हो चुका है, और इसमें से 60 तो श्योर है, इसमें से कितना हो पाता है हम 8 बजे तक दे देंगे। और जहाँ तक चांस है हो सकता है आज 8 बजे तक सारा जो क्वेश्चन से सेट हो जाए, ठीक है। और जो कल मैंने टेस्ट लिया था मॉक टेस्ट, उसका रिजल्ट मैं 2 से 3, ठीक है, या फिर 3 से 4 मान करके रखिए, 3 से 4 बजे के बीच उसका रिजल्ट हम अपलोड कर देंगे। तो एक बार टाइम फिर से देख ले, आज रात 11:10। और किसी को अगर किस तरह कोई कमेंट करना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दे, जब भी मुझे समय मिलेगा हम रिप्लाई कर देंगे। और जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं उनको हम बोल दें, नोटिस के लिए आप सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन पर क्लिक कर ले, और कुछ और भी ज़्यादा कुछ अलग क्यूरी है तो आप उसे 9147786396 व्हाट्सएप करके वहाँ पर पता कर ले। और कल जो मॉक टेस्ट होगा उसका स्टेटस या फिर उसका नोटिस हम कल सुबह 9 बजे तक दे देंगे, ठीक है। कल के जो मॉक टेस्ट है उसका नोटिस मैं 9 बजे तक आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। आज का जो क्वेश्चन होगा उसका पैटर्न हमने बोला है, कुछ हिंदी में रहेंगे क्वेश्चन और कुछ इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन जो भी टेक्निकल टर्म है वो दोनों ही लैंग्वेज में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहेगा। और बाकी रेशियो हम लोग वही करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रखते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पर भी थोड़ा सा कठिन लगेगा, हमको लगता है लगेगा कि वहाँ पर कठिन थोड़ा सा हिंदी है, तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कोशिश करेंगे, कर देंगे। और जो लगेगा कि इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे कुछ क्वेश्चन तो इंग्लिश में रहेंगे, कुछ हिंदी में रहेंगे, जहाँ लगेगा कि इंग्लिश डिफिकल्ट है तो उसका हम श्योर हिंदी में लिख देंगे। और बाकी दोनों का रेशियो लगभग लगभग इक्वल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश का। तो किसी तरह का अगर और सुझाव देना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। थैंक यू।